सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एमआरएस पिक्चर्स। तो गाइज, आज किस नए वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप की हैप्पी बर्थडे स्पेशल फोटो एडिटिंग, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो गाइज, अगर आपको भी कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करनी है तो हमारे साथ वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए हम आज किस नए वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज, इस टाइप की फोटो एडिटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ से चले आना है बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। व्हाइट कलर को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में टूल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ से टूल्स वाला ऑप्शन पर चले आना है, और यहाँ से आपको चले आना है क्रॉप पे। क्रॉप पे आने के बाद आपको यहाँ से पोर्ट्रेट वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है, और आपको यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद अब आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है, और यहाँ से आपको चले आना है ऐड फोटो पे, और आपको यहाँ से इस वाले पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं जो भी पीएनजी यूज करने वाला हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इजिली डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस वाले पीएनजी को आपको कुछ इस तरह से ऊपर में एडजस्ट करना है परफेक्टली। कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद आपको यहाँ से फिर से स्क्रॉल करना है, और फिर से आपको ऐड फोटो पर चले आना है, और यहाँ से आपको अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे कुछ इस तरह से जूम करना है, और आपको यहाँ से स्क्रॉल करके चले आना है यहाँ से ब्लेंड वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको इसे स्क्रीन पे कर लेना है, और आपको कुछ इस तरह से इसे जूम करके परफेक्टली एडजस्ट कर लेना है। कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर चले आना है, और यहाँ से आपको चले आना है ऐड फोटो पे, और यहाँ से आपको सेकंड वाली पिक्चर को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे में, आपको यहाँ पर टैप करना है, और यहाँ से आपको रिमूव बैकग्राउंड पे टैप करना है। आपका बैकग्राउंड वन क्लिक में रिमूव हो जाएगा परफेक्टली। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो आपको कुछ इस तरह से इसे जूम करके परफेक्टली एडजस्ट करना है नीचे में। कुछ इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको फिर से चले आना है यहाँ से प्लस वाले आइकन पे, और फिर से ऐड पे चले आना है, और यहाँ से आपको एक डार्क शेडो का ऐड करना है। तो यहाँ से हम इस वाले शेडो को ऐड करेंगे। इस वाले शेडो को ऐड करने के बाद आपको इसे कुछ इस तरह से हल्का खींच के बड़ा कर लेना है, और आपको नीचे में कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है, और आपको चले आना है यहाँ से इस वाले टूल्स पे, और आपको इसे टैप करना है, और यहाँ से आपको मूव डाउन कर देना है। ये वाला शेडो आपको बैक में चला जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद गाइज, आपको यहाँ से चले आना है स्क्रॉल करके फिर से ऐड फोटो पे, और यहाँ से आपको कुछ और पीएनजी को इसमें ऐड करना है। तो यहाँ से हम इस वाली बड़े वाली पीएनजी को ऐड करेंगे। इस वाले पीएनजी को ऐड करने के बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है, और फिर से आपको चले आना है यहाँ से ब्लेंड वाले ऑप्शन पे, और इसे आपको इस बार मल्टीप्ली पे कर लेना है, और आपको इधर साइड में कुछ इस तरह से इसे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है, और इस बार आपको चले आना है यहाँ से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है इस वाली दिल वाली टेक्स्ट को, और आपको यहाँ से ऊपर से डन कर देना है। डन करने के बाद आपको इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है छोटा करके, आप यहाँ साइड में कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा, और आपको यहाँ से लेना है इस वाले टूल्स पे, और यहाँ से आपको टैप करके यहाँ से डुप्लीकेट इमेज कर लेना है, और आपको कुछ इस तरह से जूम करके इसे एडजस्ट करना है कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से अब इसके साइज को छोटा कर लीजिएगा।
कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ से चले आना है फिर से प्लस वाले आइकन पे, और यहाँ से फिर से टेक्स्ट पे चले आना है और यहाँ से अपने नेम को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है। और आपको यहाँ से चले आना है लास्ट में। आपको इस वाले फॉन्ट को ऐड कर लेना है और आपको कुछ इस तरह से जूम करके इसे परफेक्टली एडजस्ट करना है। कुछ इस तरह से आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको कर देना है इसे डन। डन करने के बाद अब आपको फिर से स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको फिर से ऐड फोटो पर चले आना है और आपको यहाँ से एक डार्क शेडो को ऐड करना है। तो यहाँ से हम इस वाले शेडो को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपको इसे जूम करके फुल कर लेना है कुछ इस तरह से। फुल करने के बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आपको यहाँ से चला आना है इफेक्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको नीचे में इफेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे टैप करना है और यहाँ से आपको चला आना है फोर्थ नंबर पे शार्पन वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको दोबारा से इस पर टैप करना है और आपको इसके फेड को कुछ इस तरह से 75 तक एडजस्ट कर लेना है और आपको कर देना है डन। तो गाइज अब हमारी पिक्चर एडिट होकर परफेक्टली रेडी हो चुकी है, तो अब आप यहाँ से अपनी पिक्चर को सेव कर सकते हैं ऊपर में आके। तो गाइज हमारी पिक्चर अब गैलरी में सेव हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।